सिरसा जिले के कार्यवाली विधानसभा क्षेत्र से अकाली दल के विधायक बलकौर सिंह ने मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर भेदभाव के आरोप लगाए हैं। बलकौर सिंह ने कहा कि उनके कार्यवाली क्षेत्र की विकास की दृष्टि से उपेक्षा की गई है। देखो, चार साल सरकार ने जरा विकास करने की कोशिश की है, पर अजे तक भी जो मैं आपके हल्के की गल करा, सरसे की गल करा, तो अजे तक भी बहुत सारे काम करने जरूरी ने। साढ़े भावें कॉलेज बन गए, कुछ सड़कों की मुरम्मत हुई है, पर अजे तक जोड़े है ग्राउंड लेवल के उत्ते जड़िया गलिया नालिया के काम है, पीने वाले दस्यावं है, टीचर अध्यापक नहीं स्कूलों के, डॉक्टर नहीं है हॉस्पिटल के, प्रॉपर दवाइया नहीं पहुँच रही, बहुत सारे काम जो अजे अधूरे पे ने जो कि जरूरी करने वाले ने। ये बारे जरूरत है सरकार को ध्यान देना चाहिए। अजे तक बहुत ज़्यादा काम करने पेने, सरकार ने अजे तक इसकी नीम ही रखी है, ये समझ लीए। देखो, सरकार ने जो क्या भी सबका साथ सबका विकास, मैं लगता भी नहीं होया, वो साढ़े हल्के भेदभाव जरूर होया, जिहड़ा कि पैसा सारे दूजे एम एल ए आपके जोड़े बीजेपी जुड़े हुए लोग ने, उन्होंने ज़्यादा पैसा लग्या उत्थे साडे हल्के च, और साडे सरसा जिले च बहुत घट पैसा लग्या। सरकार को लाना चाहिए सीगा भेदभाव, जे दा नारा सी तां उहनूं जिमनी तौर पर उसनों पूरे अमली रूप से लिया चाहिए सी। अकाली विधायक बलकौर सिंह ने कहा कि अगले चुनाव में उनकी पार्टी सभी 90 विधानसभा हलकों से अपने उम्मीदवार खड़े करने की तैयारी कर रही है। भाजपा और इनेलो जैसी हम ख्याल पार्टियों से तालमेल के विकल्प भी खुले रखे गए हैं। बलकौर सिंह ने कहा कि अकाली दल का कांग्रेस से कोई समझौता नहीं हो सकता। अकाली दल वास्ते पहला भी रुझान बहुत वधिया है, और आने वाला जो इलेक्शन चाहे लोकसभा चाहे विधानसभा है, वो बहुत वधिया सानू लोगों ने फोन पर भी और मिलकर भी बहुत वधिया रिस्पोंस, रैलियां भी बहुत वधिया रिस्पोंस दिता है, और अगले तो यही इस जारी रहेगा। फिलहाल जी अकाली दल की श्रोमणी अकाली दल के प्रधान की यह इच्छा है भी सारिया 90 सीटा जो हरियाणा च लड़िया जा, और साड़ी पूरी तैयारी है। कई कैंडीडेट भी आए हैं लड़न वास्ते, जिहड़े कि अलग अलग हल्कों के तैयारी कर रहे हैं, और 90 सीटों के उत्ते इनकी तैयारी है, वह जरूर इलेक्शन जो हरियाणा जबकि अकाली दल लड़ेगा। देखो, गठबंधन तो सब तो ज़्यादा जे आम आदमी दिल्ली जितया और कांग्रेस में बिल्कुल जीरो करता, उन्होंने हो गया जोड़ा कि कभी घर बनते नहीं। साडा कांग्रेस में छड़ के किसी भी पार्टी नाल गठबंधन जे साडी पार्टी लीडर जिहड़े ने साडी वो चाहुण तो उन्हों का हो सकता है, यही कोई गल नहीं भी गठबंधन नहीं होंगे, गठबंधन हो सकता है, कांग्रेस ने कभी नहीं हो सकता अकाली दल का, और कांग्रेस को छड़ के किसी भी पार्टी नाल जो पार्टी समझूगी ठीक वो हो सकता है। अकाली विधायक बलकौर सिंह ने कहा कि 2 नवंबर को रतिया में होने वाली अकाली दल की रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। रैली में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल भी शामिल होंगे। बहुत वधिया रिस्पोंस है जी, पहला पिपड़ी की रैली जी कुरक्षेत्र रखी गई थी, वह जी बहुत वधिया, सारे हरियाणा के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जो कि पंजाबी सम्मेलन के तौर पर सारे पंजाबी इकट्ठे हुए हैं। हम जी 2 तरीक की रतिया रैली रखी गई है, वो भी साढ़े सरप्रस्त सरदार प्रकाश सिंह बादल भी, और सबका डिप्टी सीएम सरदार सुखबीर सिंह बादल जो प्रधान ने श्रोमणी अकाली दल के, वह भी पहुँचे। लोगों से पूरा उत्साह है और बढ़ चढ़ के हिस्सा लैन करेंगे, सारे सरसा जिले चो जाएंगे जी, सारे हरियाणा चो जाएंगे, बहुत उत्साह है, पहला भी गए हैं, हम फिर लोगों के फोन आते हैं, जरूर जाएंगे, पहुँचे इस रैली के बढ़ चढ़ के हिस्सा लैन। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।